सोवियत संघ के पतन के साथ ही विश्व में चल रहा शीतयुद्ध समाप्त हो गया। इस घटना को युगांतरकारी घटना कहा जाता है। शीतयुद्ध के दौरान शस्त्रों की होड़ तथा तनाव के कारण विश्व लगातार संकट के दौर में था। सोवियत संघ की स्थापना रूसी बोल्शेविक क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में की। जोसेफ स्टालिन के काल में सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन में तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जो निकिता क्रुश्चेव तथा लियोनिड ब्रेजनेव के काल तक निरंतर जारी रहा। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही के कारण साम्यवादी देशों में सत्ता के विरुद्ध विरोध का जन्म हुआ। हंगरी के जन आंदोलन को 1956 में क्रुश्चेव तथा चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को 1968 में ब्रेजनेव ने सैनिक शक्ति के बल पर कुचल डाला। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की सत्ता प्राप्त की तथा गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त व पेरेस्त्रोइका जैसे सुधारवादी नीतियों से राजनीतिक व आर्थिक सुधार प्रारंभ किए। साथ ही सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार व वाणिज्य को प्रारंभ करते हुए शीतयुद्धकालीन तनाव को कम किया। गोर्बाचेव के सुधारों की गति धीमी थी तथा पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश साम्यवाद को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे। सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप के देशों के नागरिक भी सड़कों पर उतर आए तथा साम्यवादी सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए। 1988 में लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा लेटविया में साम्यवादी शासन के विरुद्ध आंदोलन हुए। 1991 में रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ से पृथक होने की घोषणा की। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने आधिकारिक तौर पर सोवियत संघ के अंत की घोषणा कर दी। सोवियत संघ के अंत के साथ ही विश्व में शांति तथा विकास के नए दौर का प्रारंभ हुआ, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी वर्चस्व का दौर भी प्रारंभ हुआ। सीयूटी के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ जल्द से जल्द कोर्सेज परचेज करें। इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए सीयूटी ऑनलाइन उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से।